चुके हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आसनसोल से हमारे पार्टी के उम्मीदवार के नाम का इंतजार था हमें। कुछ घंटे पहले दुर्गापुर के सांसद से हमारे सीनियर नेता सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया जी के नाम की घोषणा हुई है आसनसोल से लोकसभा प्रत्याशी के लिए। अब यह हम सारे लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि एक मिनट भी व्यर्थ किए बिना तन मन धन से अहलुवालिया जी को विजयी बनाने के लिए हमसे जो कुछ भी हो सकता है अगले एक महीने तक वो काम हम करें। प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच अहलुवालिया जी हैं, उन्हें हमें पार्लियामेंट में भेजना है और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट में जब हम उन्हें भेजेंगे तो नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, जो सपना है कि अब की बार 400 पार, उसमें भी हमारा एक योगदान रहना चाहिए, आसनसोल का सीट रहना चाहिए। भारतवर्ष के हर कोने से लोग 400 सीट दे दें और आसनसोल यदि हमको उनको उपहार नहीं दे पाते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। राजनीति में जो लोग भी राजनीति से जुड़े होते हैं, हर किसी को यह सपना होता है, कोई काउंसलर बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई सांसद बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, और इसमें गलत भी कुछ नहीं है, होना भी चाहिए, इच्छा होना भी चाहिए। 2 साल पहले हम लोगों ने काउंसलर का चुनाव लड़ा, उस समय बहुत लोगों की इच्छा थी काउंसलर बनेंगे, लेकिन केवल एक व्यक्ति काउंसलर बना यहां से। सांसद के चुनाव में भी बहुत से लोगों की इच्छा थी कि हम पार्टी का होकर लड़ेंगे, हमको उम्मीदवारी दिया जाए, लेकिन पार्टी बंगाल में तो केवल 42 लोगों को ही दे सकती है ना, इच्छा हम सारे लोगों की रह सकती है। इच्छा रहना एक बात है, लेकिन पार्टी जब कोई निर्णय ले लेता है तो पार्टी करेगा। स्लोगन दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मेरे को देखने के लिए आंखें चाहिए, आंखों में रंगीन चश्मा पहना हो, सिर्फ नीला नीला दिखता हो तो मेरे को कैसे दिखेगा, मेरा लाल चेहरा कैसे नजर आएगा, उनको आ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि एमपी फंड से आपने पूरे रकम भी खर्च नहीं किए, पूरे 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 भारत वर्ष में, मैं बंगाल की बात नहीं करता हूँ, एमपी लैंड का फंड शायद हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट एसएस अहलुवालिया का है। मैं 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा वहाँ दुर्गापुर में, आप लोगों को नहीं बोलना चाहता हूँ, कहकर आप लोग बोलेंगे क्या ये हमारा विषय नहीं है, उनका जवाब उनको वहाँ दूंगा मैं। 15 तारीख को सुबह मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है एमपी लैंड फंड में। दादा एक क्वेश्चन আছে, বেয়ালিশ বছর বন্ধ হয়ে গেছিল তো সেটা বেদান্ত গ্রুপ নিয়েছিল পরে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেটা কোনো জটিলতা কোনো খোলা হয়নি, সেটা বন্ধ হয়ে আছে। এক দু নম্বর হচ্ছে যে দামোদর থেকে যে বাঁকুড়াতে যাওয়ার যে একটা ব্রিজ, সেই ব্রিজটা দীর্ঘদিন বিভিন্ন জটে আটকে আছে, এই বিষয়টা এটা বলছি না, এইগুলো সমস্যা, সমস্যাটা গিয়ে সরে জমিনে যখন শুনতে পারবো, জানতে পারবো, নিশ্চয়ই তার সমাধান কেন কেন করেছে, কিসের জন্য বন্ধ হয়েছে, তার সূচনা আমার কাছে নিশ্চয়ই আসবে, আমি আপনাকে শেয়ার করব, চিন্তা করবেন না। স্যার 3 লাখ ভোট সে 3 লাখ ভোট সে শত্রুঘ্ন সিনহা জিতে থে, এত এত স্যার একটা কথা, স্যার 3 লাখ ভোট সে শত্রুঘ্ন সিনহা জিতে থে, কি আপকে লিয়ে চ্যালেঞ্জ হ্যায়?
देखिए हर इलेक्शन चैलेंज होता है, हर इलेक्शन चैलेंज होता है। चाहे आप भी सुनो, हर इलेक्शन चैलेंज होता है, और जो खास करके जनता का चुनाव है ये चैलेंज है। जब दो राजा लड़ाई करते थे तो उनको अपनी सैनिक की शक्ति का ऊपर विश्वास होता था कि हमारा सैनिक दूसरे के सैनिक को मार गिराएगा, क्योंकि हमारे पास ये अस्त्र शस्त्र है। किंतु चुनावी मैदान जो डेमोक्रेसी की लड़ाई होती है, यहाँ पर अस्त्र शस्त्र काम नहीं आते, बम की आवाज़ और गोली की आवाज़ नहीं आती, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, जनता ने जवाब देना है। जनता कई बार चुप रहती है और साफ कर देती है। जनता के पास क्या लेकर जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, क्या लेकर जाएंगे नहीं, जनता का? मैंने जनता का सेवक हूँ मैं। मैं जब जनता के पास जाऊंगा आप भी सुनेंगे, वो लोग भी जानेंगे, काहे चिंता करें। आपने बोलचें पुलिसी पुत्र, किंतु जामुड़ी सीपीएम থেকে যে দাঁড়িয়েছে সে আসানসোলের জামুড়িয়ার মেয়ে, সে ক্ষেত্রে কি আমি বলছি? ঠিক আছে, ভূমিকন্যা, সে হচ্ছে ভূমিকন্যা, আমি ভূমিপুত্র, উনি ভূমিকন্যা। বলো তো সুন্দরজি, একটা প্রশ্ন ছিল, বলো। আসানসোলের বর্তমান